Question number one. With the increase in temperature, the speed of sound in a gas increases, decreases, remain constant, may increase or decrease. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है अल्फा ऑप्शन, स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज होगी. स्पीड ऑफ साउंड का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी. डेंसिटी वेलोसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से डेंसिटी उसकी कम हो जाएगी, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. जब वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा डेंसिटी कम हो जाएगी, और डेंसिटी के कम होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि स्पीड ऑफ साउंड और डेंसिटी का इनवर्सली रिलेशन है. सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर. अल्ट्रासोनिक वेव्स आर दोज विच ह्यूमन हियर्स, ह्यूमन कैन नॉट हियर, हैव हाई वेलोसिटी, हैव हाई एम्पलीट्यूड. इनमें बीटा करेक्ट ऑप्शन है, ह्यूमन कैन नॉट हियर. ये वेव डॉपलर इफेक्ट में यूज करते हैं जब हम किसी समुद्र की डेप्थ या किसी ऑब्जेक्ट की प्रिसेंस को फाइंड करने के लिए यूज करते हैं. तो अल्ट्रासोनिक वेव ऐसी वेव होती हैं जिन्हें हम नहीं सुन सकते. सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट एसटीपी इज 300 मीटर पर सेकेंड. इफ द एयर प्रेशर बिकम्स डबल द टेम्परेचर रिमेन सेम द स्पीड ऑफ साउंड बिकम्स 1200, 600, 300 और 400. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, 300 मीटर पर सेकेंड. स्पीड का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी. अगर प्रेशर को हमने डबल कर दें और टेम्परेचर रिमेन सेम रहे तो स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि अगर प्रेशर को टू टाइम करेंगे तो डेंसिटी खुद ब खुद टू टाइम इंक्रीज हो जाएगी और दोनों की रेशियो सेम रह जाएगी. लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज होता है, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीज और डिक्रीज होती है, लेकिन प्रेशर के चेंज होने की वजह से स्पीड ऑफ साउंड पे कोई असर नहीं होता. सो सी चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर. द डुप्लर इफेक्ट इज एप्लीकेबल फॉर लाइट वेव्स, साउंड वेव्स, स्पेस वेव्स, बोथ ए एंड बी. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा, बोथ ए एंड बी. डुप्लर इफेक्ट को हम साउंड वेव्स और लाइट वेव्स दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसा कि हम कोई स्टार है, कोई सितारा है, वो जमीन से दूर जा रहा है, तो उसको लाइट वेव के ऊपर डुप्लर इफेक्ट अप्लाई करके हम मालूम कर सकते हैं कि कोई स्टार या फिर कोई सियारा जो है वो जमीन की तरफ आ रहा है या फिर जमीन से दूर जा रहा है. सो डुप्लर इफेक्ट कैन बी यूज फॉर बोथ लाइट वेव्स एंड साउंड वेव्स. द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 350 मीटर पर सेकेंड. द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फंडामेंटल नोट एमिटेड बाय अ ट्यूब ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर ओपन एट बोथ एंड इज 50 हर्ट्ज, 175 हर्ट्ज, 350 हर्ट्ज, 700 हर्ट्ज. इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, 350 हर्ट्ज. एक ऑर्गन पाइप जो कि दोनों एंड से खुला हुआ हो, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय 2L. वेलोसिटी 350 मीटर पर सेकेंड और लेंथ है 50 सेंटीमीटर. इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगी 0.5 मीटर. 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 मीटर आ जाएगा. सो जो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी वो आ जाएगी 350 हर्ट्ज ओनली. सो सी इज आवर करेक्ट आंसर. द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड. द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑर्गन पाइप ओपन एट बोथ एंड्स एंड ऑफ लेंथ 0.3 मीटर विल बी 200, 550, 300 और 275 हर्ट्ज. इनमें करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन, 550 हर्ट्ज. और इसे हम देखते हैं कि कैसे आया. फ्रीक्वेंसी एक ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 2L. वेलोसिटी 330, 2 लेंथ 0.3 मीटर, 0.3 मीटर मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल टू 0.6 मीटर. और जब हम 330 को डिवाइड करेंगे 0.6 से तो आंसर आएगा 550 हर्ट्ज. इसे हम देखते हैं 330 डिवाइडेड बाय 0.6 इज इक्वल टू 550 हर्ट्ज. सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर. द स्पीड ऑफ साउंड इन अ मीडियम डिपेंड्स अपॉन elasticity of medium, density of medium, amplitude of particle in medium, both density and elasticity.
जो किसी मीडियम में स्पीड है वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती, वो डेंसिटी पे डिपेंड करती है और इलास्टिसिटी पे डिपेंड करती है। वी इज इक्वल टू अंडर रूट ओमेगा प्रेशर डिवाइड बाई डेंसिटी। तो स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी पे डिपेंड करती है और प्रेशर पे, क्योंकि प्रेशर और इलास्टिसिटी का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इसलिए स्पीड ऑफ साउंड बोथ डेंसिटी और इलास्टिसिटी पर डिपेंड करेगी। डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस बीट्स टू वेव्स मस्ट हैव सिमिलर फ्रीक्वेंसी सिमिलर एम्पलीट्यूड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और स्लाइटली डिफरेंट एम्पलीट्यूड। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। जब दो वेव जिनकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, अगर एक की 5 हर्ज है तो दूसरे की 7 हर्ज होनी चाहिए। स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की वेव ही सुपर इम्पोज होके बीट्स प्रोड्यूस करती हैं। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। व्हेन द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव बिकम्स डबल इट्स एनर्जी बिकम्स डबल 4 टाइम 1/2 9 टाइम। इसमें करेक्ट ऑप्शन है बीटा ऑप्शन 4 टाइम। एनर्जी जब डबल होगी, जब एम्पलीट्यूड डबल होगा तो एनर्जी 4 टाइम हो जाएगी। इसे हम इस तरह से देखते हैं कि एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ अ वेव का डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर एम्पलीट्यूड 2 टाइम इंक्रीज होता है तो इंटेंसिटी भी 2 टाइम इंक्रीज होगी। और एनर्जी और इंटेंसिटी का जो रिलेशन है वो है एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शन इंटेंसिटी का स्क्वायर। अगर इंटेंसिटी ऑफ अ वेव 2 टाइम इंक्रीज होती है तो एनर्जी 4 टाइम। अगर इंटेंसिटी ऑफ वेव 4 टाइम इंक्रीज होती है तो एनर्जी हो जाएगी 16 टाइम इंक्रीज। और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का डायरेक्ट रिलेशन है, तो इनडायरेक्टली एनर्जी और एम्पलीट्यूड का भी रिलेशन है डायरेक्ट, जिसमें एम्पलीट्यूड के ऊपर स्क्वायर आएगा। सो अगर एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव डबल होता है तो एनर्जी हो जाएगी 4 टाइम। When two identical traveling waves are superimposed, the velocity of the resultant wave decreases, increases, remains unchanged, becomes zero. तो resultant wave की जो velocity होगी वो remain unchanged। पहले भी बता चुके हैं क्योंकि velocity of a wave depend नहीं करती amplitude। और जब दो waves फर्ज करें, एक ये wave है और दूसरी है ये wave, ये दोनों मिलके एक दूसरी wave देते हैं जिसका amplitude इन दोनों से बड़ा है, तो ये wave का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगी, लेकिन वेलोसिटी इसकी सेम रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अ साउंड भी इस पर डिपेंड नहीं करती एम्पलीट्यूड के ऊपर। सी इज आवर करेक्ट आंसर। द नंबर ऑफ नोड्स बिटवीन टू कंजेक्टिव एंटी नोड इज 0, 3, 2, 1। दो एंटी नोड के दरमियान सिर्फ एक नोड होती है, सो डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। व्हेन साउंड वेव ट्रेवल फ्रॉम एयर टू वाटर Which of the following remains constant? Velocity, frequency, wavelength, all of the above. इनमें जो correct option है वो है beta option, जो frequency है वो medium पे depend नहीं करती। Velocity बराबर होती है v is equal to f lambda, v is equal to f lambda। जब एक wave किसी air से एक medium से दूसरे medium में enter होती है तो उसकी velocity भी change हो जाती है और उसकी lambda यानी wavelength भी change हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी बराबर होती है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय लैम्डा। जितने टाइम वेलोसिटी चेंज होगी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होने के लिए, उतने ही टाइम लैम्डा यानी वेवलेंथ चेंज हो जाएगी, तो फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। सो बीटा इज आवर करेक्ट आंसर। द वेव्स व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन आर कॉल्ड मैकेनिकल वेव, मैटर वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोथ बी एंड सी। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, चार्ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव और मैकेनिकल वेव एक ही चीज का नाम है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हैं ये मीडियम को नहीं रिक्वायर करती हैं अपनी प्रोपगेशन के लिए। सो सी इज आवर करेक्ट आंसर। द फर्स्ट रेजोनेंस लेंथ इन अ क्लोज ऑर्गन पाइप इज 50 सेंटीमीटर, देन द सेकेंड रेजोनेंस लेंथ विल बी 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, 150 सेंटीमीटर। अ सेट ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच आर मल्टीपल्स ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड डुप्लर फ्रीक्वेंसीज, नोडल फ्रीक्वेंसीज, बीट फ्रीक्वेंसीज और हारमोनिक्स। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डेल्टा ऑप्शन, हारमोनिक्स।
हार्मोनिक्स होती हैं जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसके मल्टीपल हों, ऐसी फ्रीक्वेंसी को हम हार्मोनिक्स कहते हैं, जैसे फर्स्ट हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक, इस तरह से चलती रहती हैं। सो डेल्टा इज आवर करेक्ट आंसर। साउंड वेव्स डू नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम बिकॉज दे आर ट्रांसवर्स, दे आर स्टेशनरी, दे आर मैकेनिकल, दे आर लॉन्गिट्यूडनल। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी ऑप्शन, दे आर मैकेनिकल। है तो डेल्टा भी ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल भी होती हैं, लेकिन वैक्यूम में पास ना करने की वजह ये है कि साउंड वेव मैकेनिकल वेव्स होती हैं, और मैकेनिकल वेव्स को अपने ट्रांसफर करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, जबकि वैक्यूम में कोई मीडियम नहीं होता जिसकी वजह से साउंड वेव ट्रेवल नहीं कर सकती। सो सी ऑप्शन इज मोर बेटर देन डेल्टा ऑप्शन। अ स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर वाइब्रेट्स इन 4 सेगमेंट्स। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजेक्टिव नोड्स इज 0.5 मीटर, 0.25 मीटर, 1 मीटर और 0.75 मीटर। इनमें करेक्ट ऑप्शन है अल्फा ऑप्शन, 0.5 मीटर, और इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे आया। एक स्ट्रिंग है जो कि 4 सेगमेंट में वाइब्रेट करता है, तो इसकी लेंथ का फॉर्मूला होगा लेमडा बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 4। जब लेमडा बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ आ जाएगी 2 लेमडा, एल इज इक्वल टू 2 लेमडा, और एल जो लेंथ है वो 2 मीटर है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और लेमडा इज इक्वल टू 1। अब उन्होंने पूछा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 कंजेक्टिव नोड, तो हम जानते हैं कि 2 नोड के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है लेमडा बाई 2 के। वो लेमडा जो निकाल ली है हमने वो आई है 1 मीटर, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो अल्फा इज आवर करेक्ट आंसर। द टेम्परेचर एट वे स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बिकम्स डबल ऑफ इट्स वैल्यू एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1092 डिग्री सेंटीग्रेड, 819 केल्विन, 819 डिग्री सेंटीग्रेड, 546 केल्विन। इनमें जो करेक्ट ऑप्शन है वह सी ऑप्शन, 819 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसे हम प्रूव करते हैं कि कैसे आया। T2 डिवाइड बाई V1 इज इक्वल टू अंडर रूट T2 डिवाइड बाई T1। ये फार्मूला होता है वेलोसिटी की रेशियो और टेम्परेचर की रेशियो का। अब उसने पूछा है कि वो टेम्परेचर बताएं जिसके ऊपर जो उसकी वेलोसिटी ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है, वो डबल हो जाए। तो इसके लिए हम V2 के साथ 2 लगा देंगे, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी T1 टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन स्केल में तो ये 273 आ जाएगा T1 की जगह, और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर V2 हो जाएगी वो टेम्परेचर T2 हमने मालूम करना है। ये V1 और V2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, 343 जो भी वैल्यू होती है इनकी, और ये 2 अकेला रह जाएगा, और अंडर रूट T2 डिवाइडेड बाई 273 जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड T1 टेम्परेचर है, और T2 वो टेम्परेचर है जो हमने मालूम करना है जिसके ऊपर V2 2 V2 हो जाएगी। तो इसके लिए दोनों तरफ हम स्केयर ले लेंगे, दोनों तरफ स्केयर लेने से आ जाएगा 2 बन जाएगा 4, और T2 डिवाइडेड बाई 273, ये 273 से डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा 1092 केल्विन, और जस्ट 1092 केल्विन को हम कन्वर्ट करेंगे, 1092 केल्विन को हम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए -273 करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 819 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर इनमें कोई ऑप्शन होता 1092 केल्विन तो हम उसे टिक कर देते, लेकिन इधर 1092 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, केल्विन नहीं, जबकि 819 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 1092 केल्विन के। सो सी चार्ली इज आवर करेक्ट आंसर।